सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको बिजनेस मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के बारे में बताऊंगी। बिजनेस मैनेजमेंट जो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेपर फर्स्ट है, उसमें डिसीजन मेकिंग चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो अबाउट डिसीजन मेकिंग मीनिंग डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषा, डिसीजन मेकिंग का अर्थ और परिभाषा। टू नो अबाउट एलिमेंट एंड नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, तत्व और प्रकृति के बारे में जानेंगे। टू नो अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के सिद्धांत, निर्णय के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग पे। मीनिंग क्या है डिसीजन मेकिंग का? डिसीजन मेकिंग का मीनिंग देखते हैं कि अर्थ क्या है। डिसीजन मेकिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिसीजन प्लस मेकिंग। तो सबसे पहले जानते हैं डिसीजन क्या होता है। डिसीजन एक आउटकम है, बट डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस और डिसीजन इज ए आउटकम ऑफ ए सच प्रोसेस। देखिए, निर्णय का शाब्दिक अर्थ है अंतिम परिणाम पर पहुंचना, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ है निष्कर्ष पर पहुंचना। जो निर्णय का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना या अंतिम परिणाम पर पहुंचना। जब निर्णय लेते कहाँ है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी इंडिविजुअल निर्णय लेता कब है? जब उसके सामने प्रॉब्लम आती है। एक फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, उसमें 5 लोग हैं, तो उसमें एक उसका मालिक होगा या मैनेजर कह सकते हैं उसको। मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके पापा मैनेजर हैं, तो आपके पापा क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। लेकिन कब निर्णय लेंगे? जब आपकी फैमिली को लेकर कोई मैटर होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या होगी, तभी निर्णय लेंगे, वरना निर्णय नहीं लेना है। और निर्णय तभी लिया जा सकता है जब हमारे पास कई सारे विकल्प हों। अगर विकल्प नहीं है तो वहाँ निर्णय हमको नहीं लेना है। जहाँ अल्टरनेटिव नहीं है वहाँ निर्णय नहीं लेना है। तो इस तरह से हम समझे कि निर्णय का शाब्दिक ये अर्थ है कि अंतिम परिणाम पर पहुँचना। एक डेनिश कहावत के अनुसार ये कहा गया है कि किसी का प्रतिउत्तर देने के पहले उसको सुने कि वो क्या कहना चाहता है, और कोई भी निर्णय लेने के पहले कई लोगों को सुने फिर निर्णय लें। तो ये डेनिश कहावत के अनुसार बताया गया है। अलग अलग प्रबंधकों ने अलग अलग तरह से डेफिनेशन दिए निर्णय को लेकर। जॉर्ज आर टेरी ने बताया, निर्णय लेना दो या अधिक संभावित विकल्पों में से कुछ मानदंडों के आधार पर चयन है। यानी जो निर्णय है वो कई विकल्पों में से किसी एक का चुनाव किसी निश्चित मानदंड के आधार पर करना ही क्या है? निर्णय है। ये जॉर्ज आर टेरी ने बताया। नेक्स्ट, फिलिप कोटलर ने बताया, ए डिसीजन मे बी डिफाइंड एज ए कॉन्शियस च्वाइस अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इन्होंने बताया यह एक कॉन्शियस च्वाइस है, बहुत ही ध्यानपूर्वक ये डिसीजन लेना कोई बहुत ही मामूली चीज नहीं है। एक मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है, तो उसमें कॉन्शियस च्वाइस करना होगा, कई सारे विकल्पों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है। तो कॉन्शियसनेस उसमें बरतनी होगी और उस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सभी विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। नेक्स्ट, पीटर या ड्रगर ने बताया, वॉट एवर ए मैनेजर डज ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग। पीटर या ड्रगर ने बताया कि मैनेजर जो भी कर दे, मैनेजर जो भी करता है वो किसके थ्रू करता है? डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही करता है। जो भी कार्य करता है वो निर्णय के थ्रू करता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कुंटा जो डोनल ने डिफाइन किया, डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। उन्होंने बताया कि एक वास्तविक सिलेक्शन करना, बहुत सारे विकल्पों में से एक वास्तविक या सही विकल्प का चुनाव करना ही क्या है? निर्णय है। एक ऐसे बिजनेस के लिए एक ऐसा निर्णय लें जो क्या हो, बिजनेस के लिए सही हो। एक मैनेजर वही करता है, एक मैनेजर ये करता है कि बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसको सही तरीके से करने के लिए और सस्ते तरीके से करने के लिए जो भी करता है, जो भी निर्णय लेता है, उसी को कहते हैं निर्णय। तो इस तरह से हमने देखा कि मीनिंग और डेफिनेशंस, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से डेफिनेशन दिया। इसी तरह कॉन्सेप्ट भी बताए, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है,
एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है तो सेम मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये इसमें क्या है, एक कमिटमेंट है, वचनबद्धता इसमें होती है कि कमिटमेंट किया जाता है कि ये निर्णय मैनेजमेंट द्वारा लिया गया है और इसको लोगों को फॉलो करना है, इसमें ये कमिटमेंट किया जाता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके। अब हम देखेंगे कि प्रकृति क्या है या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रकृति या लक्षण, निर्णय लेने की प्रकृति या लक्षण क्या है। पहला देखते हैं एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यह क्या है, डिसीजन मेकिंग इज ए इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये बौद्धिक गतिविधि है, बौद्धिक क्रिया है। कैसे, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो मेंटल एक्सरसाइज के द्वारा होता है, थिंकिंग के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा। जिस मैनेजर के अंदर थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन ये सारे क्वालिटीज नहीं है तो वो एक अच्छा डिसीजन, एक गुड डिसीजन नहीं ले सकता। कहा भी जाता है एक मोर इंटेलिजेंट मैनेजर कैन टेक बेटर डिसीजन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। अब देखते हैं दूसरा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन या चयन की प्रक्रिया है, इसमें क्या करते हैं हम, सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, एक कई सारे विकल्पों में से एक का चुनाव करते हैं डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में, जहां कई सारे विकल्प नहीं है वहां निर्णय नहीं है, तो ये है हमारा चयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग से रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, ये परिणामोन्मुखी प्रक्रिया है। कैसे परिणामोन्मुखी प्रक्रिया है, कि जैसा कि मैंने अर्थ बताया डिसीजन मेकिंग का, कि ये क्या, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी अंतिम परिणाम पर पहुंचने के लिए ही निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक प्रोसेस, जैसा कि मैनेजमेंट प्रोसेस ही डायनामिक प्रोसेस है, चेंजेबल है, ये निरंतर चलता रहता है, बट चेंज होता रहता है, इसको हम अस्थायी रूप से एक निर्णय एक संस्था के लिए समय समय पर अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं समय के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार, या आपके उद्देश्य के अनुसार, जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीजन को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिसीजन मेकिंग इज सिचुएशनल, यही सेम चीज कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सिचुएशनल है, परिस्थिति के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, ये है प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्पों का मूल्यांकन, इसको मैं आपको प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में बताऊंगी डिटेल में, लेकिन अभी जानिए कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, जो हमारे पास विकल्प हैं उनका मूल्यांकन करना, चार विकल्प हैं हमारे पास, तो चारों में उनका मूल्यांकन करें कि कौन सा सबसे सही है, सबसे ज़्यादा सही है, कौन सा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए सही है, आगे उसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, तो इवैल्यूएट करना है अल्टरनेटिव को। नेक्स्ट हमारा डिसीजन में भी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, डिसीजन लेने के तुरंत बाद या डिसीजन लेने के पहले हम ये नहीं कह सकते कि हमारा लिया हुआ डिसीजन सही है या गलत, जब तक उसका फीडबैक नहीं आता, तो फीडबैक आने के बाद ही पता चलेगा कि वो डिसीजन, वो निर्णय सही है या गलत, वो सही था हमारा लिया हुआ निर्णय या गलत था, तो बिना फीडबैक आए हम नहीं कह सकते कि डिसीजन पॉजिटिव है या निगेटिव, इसलिए हम कह सकते हैं डिसीजन में भी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग इज ऑनली मेन एंड नॉट एन एंड, जैसा कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि निर्णय लेना केवल एक मतलब है, अंत नहीं, ये है हमारा नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हम आते हैं एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारे एलिमेंट डिसीजन लेने के पहले ये सारे एलिमेंट का स्टडी करना एक मैनेजर के लिए या मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन सारे तत्वों का स्टडी करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ही एक मैनेजर को डिसीजन लेना चाहिए। पहला देखते हैं कंडीशनल एलिमेंट, पारिस्थितिक तत्व, जो भी डिसीजन एक मैनेजमेंट द्वारा लिया जा रहा है वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए, परिस्थितियां अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसी अकॉर्डिंग डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एलिमेंट, आर्थिक तत्व,
इसमें आर्थिक तत्व भी शामिल होने चाहिए। आर्थिक तत्व यानी आपके कैपिटल से रिलेटेड, आपके इनकम से रिलेटेड, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड निर्णय, ये रिलेट करके ही उस निर्णय को लेना चाहिए। अगर आपने अपने बिजनेस में कोई प्लानिंग कर ली, उस प्लानिंग के थ्रू आपने निर्णय लिया कि हमको नई टेक्नोलॉजी लानी है, बट आपके पास उतना इनकम नहीं है या आपका प्रॉफिट उस आधार पे नहीं हो रहा है, तो आपको बाद में लॉस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, फिर हो सकता है उस टेक्नोलॉजी से प्रॉफिट हो नहीं हो, सियोर नहीं है, तो इस तरह से आपको क्या हो सकता है, इस तरह से आपको क्या करना होगा, आप निर्णय लेने के पहले अपने कैपिटल यानी फाइनेंशियल एनालिसिस कह सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस जरूर करना है कि आपके यहाँ कैपिटल कितना है, आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इन सब का स्टडी बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है सोशल एलिमेंट, सामाजिक तत्व। जो भी कार्य एक बिजनेस में या कोई भी इंडिविजुअल जो भी कार्य करता है समाज के लिए करता है, तो सामाजिक तत्व उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा एक है मोरल एलिमेंट, नैतिक तत्व। मोरल एलिमेंट क्या होता है, नैतिक तत्व, भी इसके एक एलिमेंट है डिसीजन मेकिंग के। अगर आपके निर्णय में नैतिकता नहीं है तो वो ना तो सामाजिक दृष्टि से सही होगा, ना तो पारिस्थितिक तत्व दृष्टि से सही होगा, तो वो निर्णय आपका सही नहीं होगा। लीगल एलिमेंट, अगर कोई निर्णय लीगली सही नहीं है, लीगली वो सही नहीं है, तो उसका वो व्यर्थ है, वो निर्णय व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप अपने एम्प्लॉई के लिए कोई निर्णय लेते हैं या जो लीगल नहीं है, तो आपका एम्प्लॉई उस कार्य को करने से इनकार कर सकता है या चुनौती दे सकता है, तो क्या होना चाहिए, इसमें लीगल तत्व शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, उद्देश्य तत्व। आपके निर्णय लेने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, बिना उद्देश्य के तत्व के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। नेक्स्ट देखिए टाइम एलिमेंट, समय तत्व। वैसे परिस्थिति के अनुसार या समय के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, तो इसमें समय तत्व भी शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी, निर्णय उसी को लेना चाहिए जिसके पास अधिकार हो। अगर बिना अधिकार के कोई निर्णय लेता है तो उसको कोई भी फॉलो नहीं करेगा, वहाँ के एम्प्लॉई या कोई भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल देते हैं कि प्रिंसिपल के पास सारे अथॉरिटी हैं, वो निर्णय ले सकता है कि क्या कराना है, क्या काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, आज का क्या, आज कौन सा फंक्शन रखना है या कुछ भी, जो भी करना है। बट अगर उस निर्णय को कोई एम्प्लॉई लेता है, कोई वहाँ का सॉरी कोई अगर टीचर ले लिया, उस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई टीचर लेता है और वो सबसे कहता है कि आज ये कार्यक्रम रखा जाएगा, तो वो उसके अधिकार में नहीं है कि वो फॉलो कराए अपने सारे रूल सबसे, प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से या किसी या चोटी से, तो वो नहीं करा सकता। इसलिए अधिकार तत्व का होना, अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण रूप से डिफाइंड होता है कि किसके पास कितना अथॉरिटी है, किसके पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही आप निर्णय ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एलिमेंट, मनोवैज्ञानिक तत्व। कोई भी निर्णय मैनेजमेंट को साइकोलॉजिकल तत्व, एम्प्लॉयों के साइकोलॉजिकल तत्व को देखते हुए लेना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय के पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, उनके जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सुरक्षा, जॉब सेफ्टी, इन सबों को ध्यान में लेकर ही रखना होगा। नहीं तो ये क्या करती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, भागीदारी तत्व। भागीदारी तत्व इन द सेंस कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, उसमें वहाँ के कर्मचारियों की भागीदारी होना आवश्यक है। उनका भी सजेशन लेना या उनको अपने निर्णय के लिए एग्री करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक वो एग्री नहीं है, तब तक आप वो निर्णय उनके पे उनसे फॉलो नहीं करा सकते। तो ये सारे एलिमेंट हैं जिनको आप अगर अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं, तो आपका डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बेस्ड डिसीजन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी कार्य करने के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, तो इसके मूलभूत सिद्धांत है जैसे इक्वालिटी डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर इफ ही अडॉप्ट सर्टेन प्रिंसिपल। एक मैनेजर एक क्वालिटी डिसीजन ले सकता है, एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, गुण पर आधारित डिसीजन ले सकता है, अगर वह अडॉप्ट करे, यदि वह अडॉप्ट करता है सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ निश्चित
प्रिंसिपल, अगर वह कुछ निश्चित प्रिंसिपल एडॉप्ट करता है तो वह क्या कर सकता है? एक अच्छा डिसीजन, क्वालिटी डिसीजन ले सकता है। देखिए, पहला है मार्जिनल थियोरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल थियोरी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है? एवरी बिजनेस स्टार्टेड फॉर टू अर्न प्रॉफिट, ए मैनेजर शुड टेक डिसीजन व्हिच रिजल्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के, लाभ कमाने के लिए। मैनेजर शुड टेक डिसीजन व्हिच रिजल्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। मैनेजर वही डिसीजन लेता है जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो वो प्रॉफिट कैसे होगा? वो कॉस्ट एनालिसिस करे कि श्रम कॉस्ट क्या, एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आप नहीं करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका प्राइस कितना रखे हैं तो हमको प्रॉफिट होगा? तो ये सारे एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो हमारा डिसीजन अच्छा होगा। दूसरा, मैथमेटिकल थियोरी। मैथमेटिकल थियोरी में आ जाएगा, मैथमेटिकल थियोरी गिव्स ए साइंटिफिक अप्रोच टू द मैनेजर व्हाइल टेकिंग डिसीजन। एग्जांपल है आपका यूज ऑफ गेम थियोरी, प्रोबेबिलिटी थियोरी। हमेशा स्टैटिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी थियोरी, गेम थियोरी। तो ये गेम थियोरी, प्रोबेबिलिटी थियोरी, इन सारे को इन्वॉल्व करके हम साइंटिफिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करें, निर्णय लें तो वह क्या होगा, सही होगा। तो ये भी एक सिद्धांत है जिसको हमको अपने अपने डिसीजन में, निर्णय में शामिल करना होगा जिससे हमारा डिसीजन जो होगा वो इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल थियरी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो एम्प्लॉयियों के टेक्निकल स्किल्स हैं, जो उनके पद है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जो उनके स्किल्स हैं, जो उनकी क्वालिटी है, तो उनकी क्वालिटी है, पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी, सोशल स्टेटस, उनका वही पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। एक व्यक्ति समाज से क्या पाना चाहता है, कोई भी कार्यकर्ता उससे एक सक्सेसफुल पर्सन हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी इंडिविजुअल, अगर एक सक्सेसफुल पर्सन से कोई सामान्य जनरल इंडिविजुअल तक, सब लोग किस लिए काम, समाज में रहते हैं, समाज में क्या चाहिए, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान चाहिए, तो इसीलिए काम करते हैं। तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड आपका निर्णय नहीं है, अगर उनके खिलाफ है, मतलब वो निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है आपके एम्प्लॉय के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को, उनके स्किल्स पे, तो वह निर्णय क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को प्रभावित करेगा जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रुक सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव। जैसा कि बार बार आप लोग पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव में से एक का चुनाव करते हैं, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो क्या करते हैं, ऑल अल्टरनेटिव आर इवैल्यूएटेड एंड स्क्रीन। कैसे हम उस बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करेंगे, सभी अल्टरनेटिव का, सभी विकल्पों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनका मूल्यांकन करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है, उसमें से पता चले कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेटर है, कौन सा गुड है या कौन सा नहीं सही है, बैड है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, एक बेस्ट का चुनाव करेंगे और सेलेक्ट बेस्ट, जो यूजफुल है, ठीक है, जो यूजफुल है और बेस्ट है, उसका हम चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, भागीदारी तक, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कोई भी निर्णय लेने के लिए। मैनेजमेंट को हमेशा एम्प्लॉयों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने देना होगा। अगर एम्प्लॉयज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो मैनेजमेंट के हर एक निर्णय को स्वीकार करेंगे और आसानी से स्वीकार करेंगे, और अगर वो अपनी मर्जी के अनुसार स्वीकार कर रहे हैं उस निर्णय को तो वो कार्य वो क्या करेंगे, बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, डेवलप होगा, ग्रोथ करेगा। तो ये रहे हमारे प्रिंसिपल, जो अगर जिनको इनको फॉलो करता है, एक मैनेजर एडॉप्ट करता है तो वो क्वालिटी बेस्ड डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन आए होंगे, व्हाट इज मीन बाय डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट आपको जैसे मैंने बताई कि ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, ये क्या है, कमिटमेंट है, एक तरह का कमिटमेंट होता है, और क्या ये डायनेमिक है। तो ये सारे हैं क्या हमारे कॉन्सेप्ट। डिसीजन मेकिंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैसे आवश्यक है डिसीजन मेकिंग, कैसे आवश्यक है मैनेजमेंट के लिए। आप लोग पूरे टॉपिक में यही पढ़े कि मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेता है और उसके लिए क्यों आवश्यक है ये,
कि बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करना क्यों आवश्यक है, इसको लिखना है। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल, जैसे मैंने मेन प्रिंसिपल बताया है अभी कि अगर मैनेजर अडॉप्ट करता है इन प्रिंसिपल को तो एक क्वालिटी बेस्ड डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट हमारा डिफाइंड डिसीजन मेकिंग, व्हाट एवर ए मैनेजर डज ही डज बाय डिसीजन मेकिंग, कमेंट, इसमें कमेंट करना है कि जो भी मैनेजर करता है वह डिसीजन मेकिंग के द्वारा करता है, डीडीएम के द्वारा करता है, इसको आप समझाइए। नेक्स्ट हम प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए।